अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, हम इतिहास का ये कर रहे हैं चैप्टर आपका थर्ड, ठीक है। और इसके आज हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, सेवन्थ क्लास की। तो आप अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन कर लें बच्चों, और पेंसिल हो या पेन हो, जो भी हो आपके पास, आप उसे निशान लगा लें, ठीक है। और इसे आप साफ साफ सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो फर्स्ट है देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें देखिए क्या है, पांड्या शासकों की राजधानी थी मदुरई। नेक्स्ट है, चोल शासकों द्वारा किस भाषा को सम्मान प्राप्त था? तो संस्कृत भाषा को सम्मान प्राप्त था चोल शासकों द्वारा। नेक्स्ट है देखिए, गाँव की उर सभा किस शासन में थी? तो चोल में थी। नेक्स्ट है देखिए, लिंगायन जो संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन था? तो बासवा। नेक्स्ट है देखिए, लिंगायन जो थे, लिंगायत किसके उपासक थे? तो लिंगायत जो थे वो किसके उपासक थे? शिव के। तमिलनाडु में सिंचाई के लिए कौन सी प्रणाली जो है वो उसका प्रयोग किया जाता था? तो टैंक प्रणाली का। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, चालुक्यों ने बादामी को अपनी राजधानी बनाया। विजयालय शाही चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है देखिए, आदि शंकराचार्य रामानुज के साथ शास्त्रार्थ द्वारा अपने दर्शन का प्रचार करते थे। मंडलों का प्रशासन जो है वो गवर्नरों द्वारा होता था। नेक्स्ट है, राजस्व का एक बड़ा भाग जो है वो सड़कें बांध कुएं बनाने में खर्च होता था। अब देखिए मिलान कीजिए में, ग्राम सभा जो है वो उर, रामानुज जो हैं वो दार्शनिक थे, एक अलवार जो है वो यक्ति संत थे, कंबन जो है वो रामायण, और गंगकोण जो है, गंगईकोण जो है वो राजेंद्र प्रथम का। नेक्स्ट है देखिए, सही तथा सही और गलत का चिन्ह लगाएं। फर्स्ट है, चोल काल में बने मंदिर बासर पद्धति के बने होते थे, तो गलत है ये। आदि शंकर का जन्म केरल में हुआ था, ये सही है। रामानुज एक भक्ति संत थे, सही है। पंप कोन तथा रक्त तमिल के त्रिरत्न थे, सही है। चोल शासकों ने 400 वर्ष तक शासन किया था, गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने प्रश्नों के उत्तर पे। फर्स्ट है देखिए, अलवार तथा नैनार कौन थे, है ना, अलवार और नैनार कौन थे? यहाँ से पढ़ेंगे, दक्षिणी भारत में नैनार और अलवार संतों द्वारा संत थे ये, जो भक्ति आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था, और भक्ति गीतों की रचना स्थानीय भाषा में की गई थी जो, ठीक है। और लिंगायत जो थे वो शिव के उपासक थे। नेक्स्ट है देखिए, चोल राज्य में गांव के प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो गांव के प्रशासन का वर्णन करना है हमें, चोल उसमें कैसा था? तो राजा चोल जो है प्रशासन का मुखिया होता था, राजा के अधीन मंत्री परिषद होती थी, उन्हें सलाह देती थी जो कि, गांव का प्रशासन दो सभाएं करती थी जिन्हें उर और सभा और महासभा कहते थे। राजस्व का एक बड़ा भाग जो है वो सड़कें बांध और कुएं बनाने में खर्च होता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका थर्ड, चोल साम्राज्य में समाज में स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो समाज में स्त्रियों की स्थिति देखिए बहुत अच्छी थी, उसमें क्या था, उन्हें औरतों का बहुत सम्मान होता था और उन्हें आज़ादी प्राप्ति वे ज्ञान और कला की शिक्षा प्राप्त करती थी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो राज राजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो राज राजा के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है एंड द लास्ट, रामानुज किस राज्य में पैदा हुए थे? तो तिरुपति, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, दक्षिणी भारत में धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए धर्म के बारे में आप यहाँ से लिखेंगे, दक्षिणी भारत में हिंदू धर्म सबसे अधिक प्रचलित था, यद्यपि बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म भी प्रचलित थे। बासव नामक द्वारा स्थापित लिंगायत जो है संप्रदाय चोर साम्राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय था। दक्षिणी भारत में नैनार से लेके और उपासक थे, यहाँ तक आप फर्स्ट का लॉन्ग लिखेंगे। नेक्स्ट है देखिए आपका, चोलों के अधीन शिक्षा एवं साहित्य के विकास का वर्णन कीजिए। शिक्षा और साहित्य का जो विकास है चोलों के उसमें, तो आप यहाँ से लिखेंगे शिक्षा एवं साहित्य का विकास जो है
देखेंगे हम ये जो है आपका सेकंड का आंसर यहाँ से दक्षिणी भारत में सांस्कृतिक से लेके यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ तक लिखेंगे आप, ये सेकंड का ही है शिक्षा और साहित्य का। फिर इसके बाद से ये यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे रामायण महाकाव्य के अनुवाद से लेके किए गए, और फिर ये एक लाइन लिखेंगे और यहाँ से लेके ये लास्ट वाली लाइन, ठीक है। अब देखिए हम आ जाते हैं अपने थर्ड पे, मध्यकाल में दक्षिणी भारत के शासकों पर प्रकाश डालिए। तो शासकों पर प्रकाश डालना है, दक्षिणी भारत के जो शासक थे वो कैसे थे, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है इसमें, फिर यहाँ से लेके आपको कहाँ तक करना है, ये आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक करना है। फिर यहाँ से राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की और स्थापित की तक यहाँ तक, ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर है। अब देखेंगे हम फोर्थ का आंसर आपका, तमिलनाडु में कृषि विस्तार का वर्णन कीजिए। अब कृषि विस्तार का वर्णन कीजिए ये है, देखिए यहाँ से चोल शासकों ने, ये फोर्थ का आंसर है आपके, फोर्थ के लॉन्ग का, चोल शासकों ने लगभग 500 वर्षों तक शासन किया। फिर इसके बाद से आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, ये फोर्थ के लॉन्ग का आंसर है आपका। अब देखिए फिफ्थ का आंसर है आपका, तमिल भाषा के दो महाकाव्यों के नाम बताने हैं आपको। अब तमिल भाषा के दो महाकाव्य कौन से हैं ये आपको ढूंढना है। इसके अंदर देखिए तमिल भाषा के महाकाव्य जो हैं आपको किसमें मिल जाएंगे, इसमें ये देखिए है ना, आपको यहाँ पे मिलेंगे ये, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है आज का, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।